आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम लोग तो सभी साथियों का मॉर्निंग सेशन में साथियों जोरदार स्वागत है। और एक राइटर थे, वैज्ञानिक थे, और उनका नाम था मार्क ट्विन। मार्क ट्विन ने अपने एक अच्छी बात बोली थी कि जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है साथियों, उसमें से एक है कि जब हमारा जन्म हुआ था, यह सबसे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन था। और यह सबके साथ हुआ, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया, यह महत्वपूर्ण दिन यानी पहला वाला महत्वपूर्ण दिन सबके साथ हुआ। सब लोग जो है अपना जन्मदिन याद रखते हैं, सब लोग बर्थडे मनाते हैं, सब लोग खुशियां जाहिर करते हैं। यानी यह महत्वपूर्ण दिन हर व्यक्ति के साथ गुजर रहा है, गुजरा है और आगे भी गुजरेगा। और लेकिन साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण दिन था वो ये था कि जब मुझे पता लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। और इस बात को बहुत कम लोग जान पाते हैं। पहला महत्वपूर्ण दिन तो सबके साथ हो गया, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण दिन सबके साथ नहीं हो पाता है। कुछ चंद लोग ही यह जान पाते हैं कि मेरा आखिर में जन्म हुआ क्यों है, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। सब लोग जिस दुनिया में पैदा होते हैं अपने जीवन को काट लेते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उसी में से अपने जीवन को बिताने वाले लोगों में से बन जाते हैं। जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य, जीवन में हम आए क्यों हैं, इस चीज का साथियों अपने को पता नहीं लग पाता। लेकिन हम सभी लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट में हैं जहां से कि अपने को यह जानने का मौका मिल जाता है, अपने आप को प्रेरित होने का मौका मिल जाता है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। आने का महत्व तो पता चल जाता है, हम इस दुनिया में क्या करेंगे, हमारी पहचान कैसी होगी। और इसके लिए साथियों हम सभी लोगों को आरसीएम को धन्यवाद देना चाहिए, अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहिए। आपको जो व्यक्ति आरसीएम में लाए हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से कम अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है, किस तरीके की पहचान बनानी है। तो साथियों आप सभी लोग मिल करके अपने अपने अपलाइन को एक बार धन्यवाद दीजिए, अपने मनोस्थिति से उनको बोलिए, शुक्रिया करिए, उनका अभिवादन करिए, आप उनका कृतज्ञ बनिए कि आपने मेरे को इस बिजनेस में लाया, मेरे को जानने का मौका दिया कि मेरा जीवन में जन्म क्यों हुआ है। तो एक बार धन्यवाद दे लीजिए। साथ में यह दूसरा, आपके बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आ रहा है। यह एक पहाड़ी का पत्थर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके नीचे पशु पक्षी छाव लेते हैं, इसके ऊपर लोग बैठते हैं, इसके ऊपर पैर से रौंदते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साथियों जब इसी पत्थर को थोड़ा चोट दिया जाता है, थोड़ा मारा जाता है, थोड़ा छेनी हथौड़ी से काटा जाता है, इसको दर्द दिया जाता है, इसको तराशा जाता है, इसके आकार को बदला जाता है, इसमें से अवशेष जो इसके टुकड़े हैं निकाल निकाल के बाहर किए जाते हैं, जब इसके रूप को साथियों बदला जाता है, तो इसी में से यह एक मूर्ति निकल आती है। और यह मूर्ति इसी पत्थर के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन जब काफी चोट मार इसको तराशा जाता है तो यह मूर्ति निकल के बाहर आ जाती है। और बाद में साथियों इसी मूर्ति की पूजा होने लग जाती है, लोग माला फूल चढ़ाने लग जाते हैं। गलती से यदि पैर से भी मूर्ति छू जाती है तो लोग माफी मांगते हैं, इस मूर्ति का पैर छूते हैं। तो आप यह देखिए कि इस मूर्ति के, इस पत्थर के अंदर यह मूर्ति छुपी थी, लेकिन जब तक योग्य व्यक्ति के हाथ नहीं आया, जब तक इसको तराशा नहीं गया, जब तक इसको छेनी हथौड़ी से काटा नहीं गया, तब तक साथियों यह मूर्ति निकल के बाहर नहीं आई। सोचिए कि एक निर्जीव चीज के अंदर, एक निर्जीव चीज के अंदर एक ऐसी मूर्ति छिपी हुई थी कि किसी व्यक्ति को पता नहीं था। उसी तरीके से साथियों हमारे जीवन में भी, हमारे अंदर भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कामयाबी का गुड़ छिपा हुआ है कि जब हम किसी अच्छे अपलायन के हाथ में आते हैं और अच्छे अपलायन के द्वारा जब तराशे जाते हैं और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे जो हम चलने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा छेनी हथौड़ी, कभी कभी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है तो हमारे लिए छेनी हथौड़ी का काम कर रहे होते हैं। साथियों जब हमको मीटिंग सेमिनार में बुलाते हैं, जब हमको कहीं प्लान देने के लिए भेज देते हैं, जब कहीं
भिलवाड़ा जाने की बात हो जाती है, तो एक तरीके से वो हमें छेनी हथौड़ी से तराश रहे होते हैं। जब उनकी बातें बराबर हम मानते हैं तो हमारे अंदर से एक कामयाब इंसान निकल के बाहर आ जाता है, जो बाद में चल करके रॉयल्टी और टेक्निकल के रूप में आर्सम परिवार में पूजे जाते हैं। तो साथियों, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपको लगे कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, अपलाइन को ये नहीं करना चाहिए, तो साथियों इस पत्थर को भी उस दिन बुरा लग रहा था जिस दिन इसको छेनी हथौड़ी से काटा जा रहा था, इसको भी दर्द हो रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों मेरे को काटा और छाटा जा रहा है। लेकिन साथियों, जब इस तक इस पत्थर को नहीं काटा छाटा जाता, तब तक यह अच्छी मूर्ति निकल के बाहर नहीं आती। उसी तरीके से जब तक हमारे अपलाइन हमको नहीं काटेंगे छाटेंगे, हमको अच्छे राह पर नहीं ले जाएंगे, जब तक उनके गाइड के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे, तो हम एक अच्छा इंसान कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपलाइन के इस बात को हमेशा मानने के लिए आप तैयार रहिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे, तराशे जाने के बाद ही साथियों पूजा होती है। यह व्यक्ति अपने जीवन में तराशे गए, गरीबी से जीवन की शुरुआत करके यह भी समाज के मार को, बाहरी लड़ाई को झेले और आज एक दिन के 57 लाख रुपए साथियों ये पाते हैं। एक दिन की इनका जो है इनकम 57 लाख रुपया है। सलमान खान का एक दिन का 52 लाख रुपया है। लेकिन साथियों, हम नहीं तराशे गए, हम नहीं चोट का वार झेले, हम किसी अपलायन की संगत में नहीं रहे, इसलिए हमारा एक दिन का 430 रुपया इनकम होती है। तो जब तक हम नहीं तराशे जाएंगे, तब तक बड़ा काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ ऐसी चीजें हो तो निश्चित ही उसका खुशी पूर्वक स्वागत करिए कि हमें तराशे जाने का मौका दिया जा रहा है। और साथियों, आज हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे देश में एक से एक होटल, एक से एक रहन-सहन है, आज उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उस जीवन को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कुछ लोग हमारे और आप जैसे ही दुनिया में पैदा होते हैं, हमारे और आप जैसे ही दो हाथ और पैर लेकर के आते हैं, लेकिन वो एक एक दिन का किस तरीके का जिंदगी जीते हैं, वो अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, उनका रहन सहन क्या होता है। थोड़ा से इन बिंदुओं को जानने के बाद अपने भी ड्रीम्स अपने बड़े होंगे कि यार हमारे ही जैसे लोग यदि ऐसी जिंदगी को जी पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं। हम भी उनके जैसा ही पैदा हुए थे, हमारे पास भी दो हाथ पैर है, हमारे अंदर भी वही हार्ट लगा हुआ है, हमारे अंदर भी लीवर है, किडनी है, तमाम सिस्टम उनके अंदर जो लगा है वही हमारे अंदर लगा है। लेकिन वह ऐसी जिंदगी जीते हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं जी पाते। तो साथियों, इससे अपने आप को थोड़ा तुलना करना है, रिलेट करना है, अपने अंदर के ड्रीम और सपने को जगाना है कि जब हमारे जैसा दूसरा कोई व्यक्ति इसी जिंदगी जी सकता है तो हम भी जी सकते हैं। साथियों, हमारे ही देश में ऐसे ऐसे होटल हैं जिसमें एक रात ठहरने का, ओबराय होटल गुड़गांव का, जिसमें एक रात ठहरने का 3 लाख रुपया लग जाता है। यानी शाम को आदमी एंट्री करता है, रात में सोता है और सुबह जब उठ करके 10 बजे निकल जाता है तो उसके अकाउंट से 3 लाख रुपए कट जाते हैं साथियों। और ऐसे खर्च करने वाले लोगों के दर्द नहीं होते, ऐसे अकाउंट से जब उनके मैसेज आते हैं कि इतना रुपया कट गया, तो खुश होते हैं कि आज मैंने इतना रुपया दिया, उनको कोई दर्द का एहसास नहीं होता। दूसरा लीला पैलेस होटल दिल्ली में है, जो कि एक रात ठहरने का 4.5 लाख रुपया लगता है। और साथियों, इसमें लोगों की भीड़ आती है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हम बुकिंग करेंगे और ये बुक हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी लोग बुक कर लिए होते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक रात का 4.5 लाख रुपया खर्च करते हैं। ताज लेके पैलेस उदयपुर का ये होटल है, एक रात का 6 लाख रुपया लगता है साथियों। इसमें हमारे और आप जैसे ही लोग रात गुजार के लोग निकलते हैं। रामबाग पैलेस जयपुर में 6 लाख रुपया एक रात का लगता है। तो सोचे कि जब ऐसे ऐसे लोग एक रात गुजारने का 6-6 लाख रुपया, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो साथियों हमारे को जब कभी होटल में ठहरना पड़ता है और 500, 1,000, 2,000 रुपया लगाना पड़ता है, तो उस दिन हम कई बार चर्चाएं करते हैं, कई बार सोचने लग जाते हैं कि यार बेफालतू का खर्चा जा रहा है। कल्पना करिए कि उनके मुकाबले अभी हम कहाँ की जिंदगी जी रहे हैं साथियों, लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है। देखिए, ब्रुनेई का सुल्तान, ऐसे लोगों की जिंदगी, ऐसे लोगों का लाइफ स्टाइल सुन करके मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ब्रुनेई का सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सोने की कार से चलता है और उसके पास एक दो नहीं 7,000 महंगी कारें, करोड़ों वाली गाड़ियां हैं। कल्पना करिए कि रोज यदि वो एक गाड़ी बदले तो आज जिस गाड़ी पे चढ़ेगा तो अगली गाड़ी का नंबर उसके दोबारा चढ़ने का कब आएगा। कल्पना करिए कि
कितने दिनों के बाद दूसरी गाड़ी का नंबर आएगा, यदि रोज वो गाड़ी बदल करके दूसरी गाड़ी को ग्रहण करे तो। साथियों, ऐसी लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग हैं, यह व्यक्ति सोने के महल में रहता है, सोने के जहाज खुद चला के जाता है। मोदी जी के शपथ ग्रहण में यह व्यक्ति अपनी जहाज चला करके आए थे इंडिया में, खुद की अपनी सोने की जहाज। सोचिए कि हमारे और आप जैसे ही हैं, लेकिन इनके जीवन कैसे जी रहे हैं, सोने के जहाज। साथियों, हमारे ही देश में रहने वाले आप इनको सभी लोग जानते हैं कि इनका लाइफ स्टाइल बहुत चर्चा का विषय रहता है। एक सुबह उठती हैं तो इनका चाय पीने का खर्चा जो आ जाता है 3 लाख रुपए आ जाता है। इनकी डिजाइनिंग साड़ी की कीमत 40 लाख रुपए आ जाती है, और इनका जूता पर्स भी सब लाखों का होता है साथियों। और इनके बर्थडे पर इनके जो हस्बैंड साहब हैं, वह कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देते, वह चार्टर्ड जहाज 300-400 करोड़ रुपए की चार्टर्ड जहाज इनको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। सोचिए हमारे और आप जैसे ही लोग कैसी लाइफ स्टाइल और कैसे जिंदगी को जी रहे हैं साथियों। यह अरब के राजकुमार की लाइफ स्टाइल अलग तरीके की है साथियों। हम लोग पालतू बिल्ली और कुत्ता पालते हैं, लेकिन ये लोग शेर पालते हैं, इनकी कैसी लाइफ स्टाइल है। पार्टी करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं कल्पना करिए, और ये लोग खुद का इनका आइलैंड होता है, दूसरा एक तरीके का छोटा सा देश होता है, और वहाँ पे अपना ये खुद का आइलैंड पर पार्टी करते हैं। इनका पहला घर 1,000 करोड़ रुपए का है साथियों, दूसरा घर 3,000 करोड़ रुपए का है, और तीसरा घर इनका 50,000 करोड़ रुपए का है। सोचिए ऐसी लाइफ स्टाइल जीने वाले हमारे ही इस दुनिया में है साथियों। हमारे और आप जैसे ही दिखने वाले लोग हैं, इनके पास सोने की बहुत सारी गाड़ियां, महंगी महंगी कई करोड़ों की गाड़ियां हैं, खुद की प्राइवेट जेट है, सोने की कार है। और साथियों, यह हमारे बहुत करीब का मामला है, गंगा विलास क्रूज, यह मेरे घर से मात्र मात्र 200 मीटर है साथियों, 200 मीटर। यह गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन आज के 2 साल पहले हमारे मोदी साहब ने किया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी क्रूज की उद्घाटन किया गया। यह नेपाल के रूट से होते हुए वेस्ट बंगाल डिब्रूगढ़ में इनका समापन हो जाता है। यह बनारस से चलाई गई थी। और साथियों, मैं जब इस पे देखा, सर्च किया, तो पता चला कि इस पे टोटल 42 लोग सफर करने के लिए गए थे, और 2 महीने के लिए गए थे। एक बार यात्रा चालू हुई तो 2 महीने के लिए वो यात्रा बनती है, और इस पे 42 लोगों में कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं था, सब विदेशी व्यक्ति थे। मैं सोचने लगा, महसूस करने लगा कि यार आखिर में इस पे जो 42 लोग बैठे थे, इनके पास उतने पैसे, यानी कि टोटल एक आदमी का खर्चा जो था वो 25 लाख से ऊपर था, जो एक बार टूर निकला था 25 लाख से ऊपर एक व्यक्ति का खर्चा था सफर का, और वो व्यक्ति पैसा भी चुका रहा है और 2 महीने का टाइम भी लेकर आया है विदेश से। कल्पना करिए, महसूस करिए कि हमें कोई व्यक्ति महीने में सेमिनार के लिए बुला देता है, कहीं भिलवाड़ा जाने की बातें हो जाती हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन ऐसे क्या है करते हैं वो लोग, विदेश से 2 महीने का वक्त निकाल करके, ऊपर से 30-40 लाख रुपए का मैनेजमेंट बना करके हमारे देश में आते हैं, और उद्घाटन वाले दिन ही इस जहाज को बुक करके 42 लोग 2 महीनों के टूर पे निकल जाते हैं। साथियों, अब सोचना यह है कि हमारे बगल से ये जहाज निकलती है, हमारे ही पास में इसका उद्घाटन होता है, और हमारे तो छोड़िए, हमारे इंडिया के लोग इस पे नहीं बैठ पाते हैं। तो आखिर में ऐसा जीवन है जो हम जी रहे हैं, यदि ऐसा ही जीवन जीते रहे तो हम अपने बगल वाले जहाज पर भी नहीं बैठ पाएंगे, इस क्रूज पे भी कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो हमें अपने आप को सोचना है, महसूस करना है कि साथियों, उन लोगों के मुकाबले हमारी जिंदगी कहाँ है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जब हमसे कोई चीज नहीं हो पाता है तो हम फिर बच्चों से उम्मीद लगा लेते हैं, जब हम प्रयास करके संघर्ष करके थक जाते हैं तो अब बच्चों से उम्मीद लगाते हैं कि अब बच्चा मेरा नाम करेगा, बच्चा कामयाब बनेगा, बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बच्चा मुझे घुमाएगा, बच्चा अच्छा जिंदगी में मुझे ले जाएगा। हम अपने बच्चों से उम्मीद करने लग जाते हैं, लेकिन साथियों, हम भी तो किसी के बच्चे रहे, हमारे पिता भी तो हमसे उम्मीद करते रहे होंगे, जब हमको बचपन में पाले पोसे होंगे, जब हमको बड़ा कर रहे होंगे, जब हमको दूध पिला रहे होंगे, तो वो भी हमसे उम्मीद यही कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा अब नाम रोशन करेगा, बच्चा कामयाब बनेगा, बच्चा जाएगा नंबर 1। वो इस उम्मीद के साथ पाले होंगे, और साथियों, जब हम बड़े हो गए तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो मेरे से उम्मीदें थी, और हम अब वही उम्मीद हम अपने बच्चों से लगाने लग गए। तो साथियों, ऐसे जिंदगी हमारी कम पड़ जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अभी भी जिंदगी समाप्त नहीं हुई है साथियों।
अभी भी जिंदगी समाप्त नहीं हुई है, हम यहाँ से अपनी कहानी दोबारा शुरू कर सकते हैं, हम दोबारा नंबर वन पे जा सकते हैं, दोबारा उस सपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों से उम्मीद करने से अच्छा है खुद करके दिखाया जाए। अब आरसे बिजनेस जैसा मजबूत प्लेटफॉर्म हम लोग के साथ है साथियों, इस तरीके की जो अभी आप लाइफ स्टाइल, इस तरीके के खर्चे, इस तरीके की जिंदगी को आपने अभी जो देखा है उसको पूरा करने का मात्र मात्र एक माध्यम है, और वो है आरसीएम बिजनेस जैसा एक प्लेटफॉर्म। और आप सभी लोग जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस आज बहुत तेजी से साथियों आगे बढ़ रहा है। आज इसके आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस तो साथियों आरसीएम हम लोग का बहुत तेजी से पहचान बना रहा है, इसके माध्यम से हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। साथियों फिक्की की एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बहुत जल्दी जो है पूरे वर्ल्ड में हमारा देश जो है नंबर वन पे होने वाला है। साथियों यह हम लोग के लिए बहुत अच्छी सूचना है, लेकिन बुरी बात मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि थोड़ा से बुरी न्यूज क्या है। बुरी न्यूज यह है कि अभी हम उस देश से भी पीछे हैं। बुरी बात यह कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम उस देश ताइवान से भी पीछे हैं जिस देश की जनसंख्या 2 करोड़ है। आप इससे थोड़ा निगेटिव हो सकते हैं कि यार 132 करोड़ जनसंख्या वाला देश, हम उस देश से भी पीछे चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिस देश की जनसंख्या 2 करोड़ मात्र। अपना वाराणसी और एकाक जिला और मिला दिया जाए तो 2 करोड़ की जनसंख्या हो जाती है, यानी उस देश से भी अभी हम आधा पीछे हैं। यदि उसकी टर्नओवर सालाना यदि 30,000 करोड़ का है तो हमारे देश का 18,000 करोड़ का है। तो ये हमारे लिए बुरी बात है, बैड न्यूज है। लेकिन साथियों अच्छी न्यूज क्या है कि अच्छी न्यूज यह है कि 2037 तक हिंदुस्तान जिस हिसाब से रिपोर्ट आ रही है, फिक्की केपीएमजी बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि 2037 40 आते आते इंडिया जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ताइवान को नहीं, जो वर्ल्ड का टॉप देश है अमेरिका जैसा देश, उसको पछाड़ करके पहले पायदान पे हो जाएगा। साथियों तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग में पैर रखे हैं जहां से आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। हम लोग लकी हैं साथियों, इसलिए इसको हल्के में मत करिए, धीरे धीरे मत करिए, पूरी जान पूरी ताकत झोंक दीजिए साथियों। और यह कहानी बनाने का एक सुनहरा मौका है साथियों, इसमें कामयाब होने के लिए परिस्थिति हालात अपलाइन डाउनलाइन माँ बाप भगवान सबको दोष देना बंद करिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम शुरू करें। हम लोग जब इसमें चलते हैं तो अक्सर दोष देना चालू कर देते हैं, जब कुछ समझ जाते हैं तो लोगों में कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं कि मेरे अपलाइन में एक कमी है, मेरे डाउनलाइन में एक कमी है, उनको तो ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में अंगद घूम सर, रही वीडियो है। ऑन ऑफ कर दीजिए सर, आवाज कट रही है। अंगद सर, जी, अंगद सर, बिल्कुल आवाज बिल्कुल। कट रही है, वीडियो को ऑफ कर दीजिए। तो हमें थोड़ा से हाँ आप सही है। इन सारे चीजों के ऊपर देखना चाहिए साथियों, हमें कमियां यदि ढूंढेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों एक व्यक्ति की मैं कहानी आपके बीच में रखना चाहूंगा, मुझे बहुत प्रेरित करता है, और इस व्यक्ति का नाम है जो सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का ये व्यक्ति है, और यह मेक्सिको का रहने वाला व्यक्ति है। इसकी कहानी प्रशांत महासागर में चालू हो जाती है साथियों। प्रशांत महासागर इतना बड़ा महासागर है जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल से भी बड़ा क्षेत्रफल रखता है प्रशांत महासागर। उस प्रशांत महासागर की कहानी चालू होती है मेक्सिको के तट से। मेक्सिको के तट पर यह दो मछुआरे, अलोरंगा नाम का मछुआरा अपने दोस्त के साथ 17 नवंबर 2012 को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, और 120 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अपनी जाल को बिछाना चालू कर देता है। इसकी जाल बिछाई जाती है और जाल बिछाते बिछाते इस व्यक्ति को पता चलता है कि अब तूफान आने वाला है, तेज हवाएं चालू हो जाती है, और इस व्यक्ति को लग जाता है कि नहीं घटना बड़ी हो सकती है, इसलिए यह अपनी नाव को लेकर के जाल वहीं पे छोड़ करके नाव को लेकर के तट के किनारे भागने का प्रयास करता है। 100 किलोमीटर जा चुका होता है, मात्र 20 किलोमीटर और तट बाकी रह जाता है। उसी दौरान इस व्यक्ति की जो 7 फुट की नाव लेकर के, 7 मीटर की नाव लेकर के अंदर गया हुआ था, इसके नाव की मोटर खराब हो जाती है। मोटर खराब होने के बाद यह अपने अधिकारियों से संपर्क करना चाहता है,
संपर्क हो जाता है, लेकिन उसके बाद इसका जो रेडियो सिस्टम था वो भी खराब हो जाता है। अब साथियों यह 20 किलोमीटर दूर रह जाता है, उसी दौरान तेज हवाएं जो है विपरीत दिशा में चलने लग जाती है और इसकी नाव जो है धीरे 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 बीच मझधार में चलती चली जाती है, और जाते जाते साथियों यह बहुत दूर निकल जाता है आदमी, और इसके लोग भी आते हैं, 5 दिन का सर्च टीम चलाते हैं, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चलता। इनके अधिकारी यहाँ के लोग यही जान जाते हैं कि ये लोग समुन्द्र में समा गए, ये लोग समाप्त हो गए, लेकिन यह 2 लोग 7 मीटर की बोट के ऊपर सवार होकर के बिना कोई पतवार का हवा के सहारे मझधार में चलते चले जाते हैं। अब धीरे धीरे इनके पास जो खाने पीने के रसद थे ये खा पी करके जीवन यापन करना चालू कर देते हैं। 5 दिन तक तो किसी तरीके से इनका जुगाड़ हो जाता है, लेकिन 5 दिन के बाद साथियों इनका अन्न भी समाप्त हो जाता है और इनका पानी खाने पीने का सारा रसद समाप्त हो जाता है, और यह 2 लोग मायूस होकर के अपनी जिंदगी को बिना पतवार की तरह चुपचाप बैठ करके जिंदगी बिता रहे होते हैं। तभी इनका दोस्त इनको मना करता है कि शायद अब हम लोग अपने घर नहीं जा पाएंगे, शायद हम लोग अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, लग रहा हम यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो अलवरंगा नाम का यह व्यक्ति थे, यह आशावादी थे, यह आरसेम जैसी सोच रखने वाले थे, ये उसको धीरज धराते थे कि नहीं घबराओ नहीं, हम लोग एक न एक दिन जरूर घर पर जाएंगे, धैर्य रखो, हम लोग अब यहाँ पे कुछ खाने पीने के जुगाड़ बनाते हैं। कल्पना करिए साथियों कि इनके पास कुछ भी आगे पीछे नजर नहीं आ रहा था, ऊपर सिर्फ आसमान और नीचे सिर्फ पानी था, बाकी ना किसी आदमी से भेंट था, ना कभी किसी चिड़िया पशु पक्षी से भेंट होने वाला था, सिर्फ पानी और आसमान के बीच में यह जिंदगी गुजार रहे थे, और इन्होंने धीरे धीरे वैसी स्थिति में जीने के आदी हो गए, और इन्होंने पानी जो बरसात का होता था उसको इकट्ठा करके पीने का जुगाड़ बनाया, मछलियों को खा करके पेट भरने का जुगाड़ बनाया, कछुओं के ब्लड को पी करके प्यास बुझाने का प्रयास चालू किया, और धीरे धीरे साथियों ये लोग जीवन काटने लग गए, और काटते काटते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया, इनकी नाव हवा के सहारे चलती चली जा रही थी, और उस प्रशांत महासागर में जिसका इतना बड़ा क्षेत्रफल, जिसमें पूरी दुनिया समा जाए तो भी उसके क्षेत्रफल को कवर नहीं किया जा सकता, उसमें ये लोग खो गए, और पता नहीं इनकी जहाज किस दिशा में जा रही थी साथियों। अब धीरे धीरे करते करते जीवन को काटते काटते 2 महीना हो गया। इनका दोस्त निगेटिव स्वभाव का था, वो बार बार होपलेस हो जाता था, बार बार अपने जीवन से हारने की बातें करता था, बार बार मरने की बातें करता था, लेकिन यह अलवरंगा नाम के मछुआरा उनको बार बार धीरज धराते थे, आशावादी नजरिया देते थे, सकारात्मक सोच देते थे, लेकिन वह व्यक्ति धीरज नहीं रख पाया। 4थे महीने आते आते वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ दिया, और साथियों 7 फीट के नाव में मात्र 2 लोग और एक लोग जिंदा और एक लोग की डेड बॉडी, उस बीच में यह आदमी अपने सफर को जीना चालू किया, ऐसे विपरीत हालात में वो आगे बढ़ना चालू किया, और साथियों धीरे 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 यह महीने बीतते गए, यह आदमी भी बड़ी कमजोर हो गया, इसका वजन काफी कम हो गया, धीरे धीरे इसको मानसिक बीमारी तक घेरने लगी, धीरे धीरे इसको विचित्र तरीके की आवाजें आने लगी, दाढ़ी मूछ बड़े बड़े हो गए, क्योंकि साथियों तब तक 8 महीना गुजर चुका था उस समुन्दर में। कल्पना करिए कि जहाँ खाने के अन्न नहीं थे, पानी पीने के कोई जुगाड़ नहीं थे, सिर्फ आसमान और पानी थे, ऐसे बीच में ये आदमी अपने जीवन से नहीं हारा, लगातार संघर्ष करता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा, और धीरे धीरे साथियों आ गया 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना और 13 महीना होने के बावजूद भी अभी तक दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा था कि हम घर कब जाएंगे, हमारा तट कब आएगा, कब हम किनारे जमीन पर पैर रखेंगे। इस व्यक्ति को जमीन पर पैर रखे भी 11-13 महीना बीत चुके थे, लेकिन साथियों जब 14 महीना आ चुका था, 30 जनवरी 2014 का दिन जब आ चुका था, उस समय यह व्यक्ति बेजान अपने उस 7 मीटर के नाव पर लेटा हुआ था, इसके अंदर जान अब नहीं रह गया था। उसी दौरान आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया नजर आई, चिड़िया को देखने के बाद यह व्यक्ति अपने धूमिल आंखों से देखा, इसको भरोसा नहीं हुआ कि सामने चिड़िया उड़ रही है, लेकिन इसको होश आया कि यार सामने चिड़िया ही जा रही है। इस व्यक्ति की आशाएं उम्मीदें जग गई, क्यों जग गई कि यदि चिड़िया उड़ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं किनारा नजदीक है, और यह इस ड्रीम और सपने के साथ अपने आप को जीवंत रखा, और साथियों कुछ घंटों और
नाव चलने के बाद वो किनारा आ गया, और किनारा आने के बाद यह व्यक्ति ज्यों ही पृथ्वी पर, भूमि पर पैर रखा, पैर रखते ही यह आदमी बेहोश हो गया। 14 महीने के बाद इस व्यक्ति को नसीब हुआ था, मिट्टी पर पैर रखने का भाग्य हासिल हुआ था, और यह पैर रखते ही बेहोश हो गया। और वहां के लोग, स्थानीय लोग इस व्यक्ति को उठा ले गए, पुलिस के हवाले किए, पुलिस इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाई। हॉस्पिटल के बाद जब होश आया, जब अपनी आप बीती सुनाया, कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। वहां के टीम से, मैक्सिको के टीम से जब कांटेक्ट किया गया, तो बात पता चली कि नहीं, 14 महीने पहले इस नाम के व्यक्ति गायब हुए थे। इनका पासपोर्ट की कार्रवाई करते हुए इसको अपने देश लौटा दिया गया, और साथियों इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, और वो रिकॉर्ड रहा पूरे समुंदर में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड। और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई, और बुक नाम था 430 दिन। तो साथियों इस तरीके का रिकॉर्ड कोई भी व्यक्ति नहीं बनाना चाहेगा। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे कितना बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। साथियों जिस व्यक्ति के जीवन में भूमि नसीब नहीं थी, चिड़िया पशु पक्षी देखना नसीब नहीं था, वो व्यक्ति भी अपने जिंदगी से नहीं हारा। और आज हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीमें हैं, हमारे पास इतने अपलाइन हैं, हम छोटी छोटी घटनाओं से हार मान लेते हैं, छोटे छोटे विपरीत हालात से हम कमियां निकालने लग जाते हैं। हमारे माँ बाप ने ये किया, हमारे पास पड़ोस वालों लोगों ने ये किया, हमारे अपलाइन ने मेरे साथ ये किया, बहुत तरीके की हम लोग कमियां निकाल करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन साथियों इन्हीं से, जीवनी से आप सबक लीजिए, इनके इस घटना से आप सबक लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी कमियां बताने को था कि ऊपर वाले मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये परिस्थिति आई, लेकिन यह व्यक्ति आशावादी नजरिया रखा, सकारात्मक सोच रखा, और उसके वजह से साथियों आज इसके ऊपर किताब लिखी गई। हमें भी अपने जीवन में ऐसा मैसेज लेना चाहिए, कमी निकालने से अच्छा यह है कि हमें काम करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमें पूरी जान इन 3 तरीके के प्रोग्रामों पे अभी जो हमारे बीच में होने जा रहा है, कमी मत निकालिए कि यहाँ पे हो रहा हो रहा। जो हमें ऊपर से गाइडलाइन दिया जा रहा है, जो अपलाइन, जो कोर लीडर के द्वारा बताया जा रहा है, उसको फॉलो करें। मुगल सराय का जबरदस्त प्रोग्राम, वाराणसी में जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, और साथियों रावर्ट्सगंज में भी जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। जहां भी आपकी टीम है पूरी जान लगाइए, बहानेबाजी मत करिए, दोष मत दीजिए, किसी से कह करके मत बचाव करिए कि मैं ये काम में फंसा हूं, मेरे पास ठंडी आ गई, ये बात हो गया, वो बात हो गया। नहीं, सपने पूरा करना चाहते हैं, उस तरीके की जिंदगी में जाना चाहते हैं, तो साथियों कीमत चुकानी पड़ेगी, छेनी हथौड़ी के मार को झेलना पड़ेगा। और प्रोग्राम में जाने का मतलब छेनी हथौड़ी का मार कुछ लोग महसूस करते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। जब हमारा 100 200 400 का खर्च आता है, आना जाना टिकट, तो हम छेनी हथौड़ी का मार समझ लेते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए इसमें जाने के बहाने ढूंढ लेते हैं कि इसमें न जाना पड़े। लेकिन साथियों बिना यहाँ गए आप बड़े मुकाम पे नहीं जा सकते, इसलिए पूरी ताकत लगाइए, इस प्रोग्राम में खुद चलना है और लोगों को भी लेके चलना है। और इसके साथ साथ अपना एक बहुत बड़ा मुहिम है साथियों, आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा, 24-25 फरवरी को एक ऐसा अद्भुत प्रोग्राम भिलवाड़ा के धरती से होने जा रहा है। आज जो भी व्यक्ति बड़े बड़े मुकाम पे गए हैं, वो लोगों की कहानी यहीं पे जाने के बाद शुरू हुई साथियों। और यह हमारा ऐसा तीर्थ स्थल है जहां से लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, जहां से उनके मान सम्मान बढ़ने लग जाते हैं, जहां से उनकी एक पहचान बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उस तरीके की लाइफ स्टाइल में जाना चाहते हैं, आप भी करोड़ों की गाड़ियां आने वाले कल में लेना चाहते हैं, तो साथियों बिना भिलवाड़ा गए, बिना इस जगह की मिट्टी को छुए, बिना यहाँ के मालिक साहब की बातों को सुने, हम उस जगह पे पहुंच नहीं सकते। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में कुछ टाइम और कुछ पैसे जरूर निकालिए, 24-25 फरवरी का जिनका भी टिकट अभी तक नहीं कटा है, अपना टिकट करवाइए और इसमें शामिल हुई साथियों। हम सब लोग भिलवाड़ा चलने वाले हैं, हम सभी लोगों का टिकट कट चुका है, और सर जी का जैसा मुहिम है, 2023 से बड़ा दिसंबर हमारा अभी बीता है, 2000 दिसंबर 23 से बड़ा यानी डबल बिजनेस जनवरी 2024 में करना है साथियों। यह लक्ष्य बना करके हमें पूरी ताकत के साथ अपने आप को एक्टिविटी में लाना है, अपने कार्य को बढ़ाना है, अपने टीम से संपर्क बनाना है, वो मीटिंग की संख्या को बढ़ानी है, कॉलिंग की संख्या को बढ़ानी है, जूम मीटिंग को बढ़ाना है, जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके हमें 2024 जनवरी महीने में बड़ा बिजनेस करके एक नया आगाज कर देना है कि 2024 में मेरे को बड़ा पिन चाहिए ही चाहिए साथियों। तो इसके ऊपर काम करें,
और साथियों, हम सब लोग इनसे भी भाग्यशाली हैं, इनसे भी भाग्यशाली हम लोग हैं। ये कौन है? मुकेश अंबानी के लड़के हैं और हम इनसे भी भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं कि साथियों, इनके पास अब प्रूफ करने का मौका नहीं है। ये अमीर आदमी हो चुके हैं, उस जगह पहुंच गए हैं, अब ये कुछ भी कर लेंगे, इनका नाम होने वाला नहीं है। इनकी पहचान हमेशा इनके पिताजी और इनके दादाजी से ही इनकी होने वाली है। ये अपना खुद का पहचान नहीं बना सकते, लेकिन साथियों, हम सभी लोगों के पास एक शानदार मौका है कि इनसे बेहतर पहचान बना सकते हैं। इनसे हम भाग्यशाली हैं कि हम वहां से उठ करके टॉप पर जाएंगे तो हमारी कहानी बन सकती है। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम जिस भी स्थिति हालात में हैं, ऊपर वाले ने मेरे को वहां पे भेजा है, तो यहाँ से अपने आप को प्रूफ करने का मौका है। हम अपनी जब कहानी बनाएंगे तो हमें भी लोग याद करेंगे, हम भी साथियों बड़ा काम कर सकते हैं। तो बस एक ही बात कहेंगे, जिंदगी में जन्म कब लेना है और मरना कब है, हम यह डिसाइड नहीं कर सकते, पर जिंदगी जीना कैसे है यह हम डिसाइड कर सकते हैं साथियों। तो आप सभी लोग अपना अपना डिसाइड कर लें, जिंदगी के रंगमंच पे ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो साथियों, हम सभी लोग अपने अपने जिंदगी में ऐसा किरदार निभाएं, ऐसे मुकाम पे पहुंचे, ऐसे जगह पे पहुंचे, ऐसे कामयाबी को छुएं कि हमारे न रहने के बाद हमारी जो जिंदगी समाप्त हो, उसके बावजूद भी हमारे लिए बराबर तालियां बजती रहे। और उसके लिए साथियों, एक ही प्लेटफार्म है, वो है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी साथियों। इसलिए सभी लोग, आप लोग पूरी ताकत और शिद्दत के साथ इस आरसीएम को करना चालू कर दीजिए, जो भी विपरीत हालात आते हैं उसका सामना करना चालू कर दीजिए, और मिल करके साथियों, हम लोग निश्चित है कि बहुत बड़ा काम करेंगे। यह जिंदगी मिली है तो इसको ऐसे ही समाप्त मत होने दीजिए, कुछ करिए। इस शरीर का, इस जीवन का नाम जरूर रोशन होना चाहिए, लोग जान पाए कि यह नाम का एक व्यक्ति इस दुनिया में आया था और आज वो नहीं है, लेकिन आज उसके काम बोलते हैं, उनके द्वारा किया गया जो वर्क है वो लोग याद करते हैं। तो साथियों, यह हम लोग कर सकते हैं। और मुझे एक दो लाइन का गीत याद आ रहा है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में जग रह जाएंगे प्यारे तेरे में बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के ओठों को देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने समय दिया, और दरोगा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद वर्मा सर को। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर का हम याद है, इसको सुनाई दीजिए जरा। उसी का वेट लक्ष्य कर रहे हम पत्रिका लोग, है। नाना पाटेकर का डायलॉग। यस यह वर्मा सर के शब्द से ही मेरे अंदर पैदा हुआ था सर। आपने जब वो ट्रेनिंग दिया कि तीन तरीके के लोग होते हैं, सम टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, आरसीएम करने वाले लोग, ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, तो आपने बताया कि जो लोग सम टाइमर होते हैं वो कामयाब नहीं होते, पार्ट टाइम करने वाले कामयाब हो जाते हैं, जो फुल टाइम करते हैं कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो लोग छोड़ छोड़ के करते हैं, और आप, हम सभी लोगों में बहुत सारे लोग हैं, कभी गर्म हो जाएंगे, कभी ठंडा हो जाएंगे, कभी लगेगा कि अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, पता चलता है 2 महीना बाद ठंडे हो गए, तो उन्हें हम सम टाइमर बोलते हैं, वर्मा सर के भाषा में सम टाइमर कहा जाता है, यानी कभी ठंडा कभी गर्म, कभी तेज करना कभी भूल जाना। तो ऐसे ही लोगों की मुलाकात एक दिन नाना पाटेकर साहब से हो गई, और नाना पाटेकर से मिलते ही वो व्यक्ति जो है ना, कमियां निकालना चालू कर देता है, मेरे अपलाइन में ये कमी है, वो कमी है, वो बोलना चालू कर देता है, और फिर उसके साथ दोष भी देना चालू कर देता है, भगवान का दोष, भाग्य का दोष, सरकार का दोष, नेता का दोष, पड़ोसी का दोष। अब यह सुनते सुनते नाना पाटेकर साहब अपने रूप में आ जाते हैं, और नाना पाटेकर साहब अपने ही अंदाज में उसको जवाब देना चालू कर देते हैं। कैसे बोलते हैं, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा कि हमने खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब बेरोजगारी के नारे लगाते हुए फिर रहे हैं, मुझे 10,000 की नौकरी दे दो, 5,000 रुपए लो, 15,000 का गुलाम बना लो। अरे ऊपर वाला गुलाम बनाने के लिए भेजा होता तो दो टांग और लगा दिया होता और जाते किसी के दरवाजे पर।
दिन भर ब्याह ब्याह करके चिल्लाते रहते, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया। खूबसूरत शरीर और ऊपर से दिमाग लगा के भेजा कि जाओ जाओ, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कृति हो, नाम सम्मान दौलत शोहरत पैसा सब कमाओ। जब हम भागे भागे गए थे फील्ड में प्लांट शो करने, प्रोडक्ट शेयर करने, जो ही चार लोगों ने खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया, ताने कसा, भागे भागे आए और मैडम के पल्लू में जाके छिप गए। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लगे गिड़गिड़ाने। अरे याद करो याद करो, जब पहली बार मैडम को लेकर के आए थे, घूंघट उठा के मुस्कुरा के मीठी मीठी बातों में क्या बोले थे, चांद दूंगा, तारी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अरे कहाँ गया तेरा चांद और तारा? ऊपर से मैडम कोई चीज की डिमांड करती है तो गुस्से में आके बोलते हो पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे इतना दम है तो निकल घर से बाहर, जा फील्ड में, प्रोडक्ट शेयर कर, प्लांट शो कर। और लोग मना करते थे, बोल जब तक तेरे को जोड़ेगा नहीं तब तक घर जाएगा नहीं साला। थैंक यू सर। जवाब नहीं था आज के। नाना पाटेकर साहब को ये डायलॉग अगर दे दिया जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे। नाना पाटेकर जी भूलेंगे, कहेंगे यार तो हमारी रॉयल्टी अंगद जी को जानी चाहिए, रॉयल्टी अंगद जी को जानी चाहिए। उनका भी समय चला गया, उनका भी समय चला गया। नवीन सर, नवीन सर, ये जो डायलॉग है विद फैमिली सुनने लायक था, परिवार सहित सुनने लायक था, अकेले में सुनने लायक नहीं था, ज्यादा प्रभाव पड़ता सर। रिकॉर्डिंग हुई है सर, रिकॉर्डिंग हो गया ना, रिकॉर्डिंग हुई है सर, अंगद सर के पास। सर हम परिवार के साथ सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो उल्टा सीधा सुनने के लिए भी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि कभी कभी हम भी सुनते हैं साहब उल्टा सीधा। हमारे बीच में आदरणीय सर हैं, हम सभी लोगों के ग्रेट अपॉइंट आदरणीय सर डी कुमार जी हैं। तो ऐसा है दरोगा जी कि आज अंगद जी बोल रहे थे तो आ गया मेरी मीटिंग में। एक बार फिर सर के लिए ताली बजाओ। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है, वेलकम सर, अंकल जी का प्रेजेंटेशन अभी चल रहा है कि अभी कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया है सर। अंकल जी को बोले दीजिए सर। हो गया सर, हो गया। अच्छा, समापन कर। नहीं, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने एहसास कराया कि हम लोगों के अंदर किस तरह से ब्लेमिंग एटीट्यूड है। और ब्लेम करना अगर हम लोग छोड़ दें, ब्लेम का मतलब क्या होता है? दूसरों को दोष देना। कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं? किसी और की वजह से हुआ। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि यार मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरे माता पिता ने हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत किया, मेरा पड़ोसी गलत है, मेरा दोस्त गलत है, पार्टनर गलत है, तमाम तरह की हम दोषारोपण करते हैं। तो ये दोषारोपण करने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है ना, इसी को बोलते हैं ब्लेमिंग एटीट्यूड। ब्लेम करना, दोष देना। हमारे जीवन में कुछ भी होता है ना तो उसके लिए हम किसी न किसी को दोष देते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को दोष नहीं देते। तो बहुत शानदार तरीके से आज अंगद जी ने बताया कि हमेशा हम दूसरों को ढूंढते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरी रॉयल्टी नहीं हुई, मेरा टेक्निकल छूट गया अपलाइन की वजह से, मेरी रॉयल्टी छूट गई डाउनलाइन की वजह से। अरे इस दुनिया में कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ना, वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है। जिस दिन आप ये चीज समझ गए, आप जीवन में सब कुछ कर लेंगे आप। तो बहुत शानदार, बहुत शानदार अंगद जी, एक बार जोरदार तालियां मेरी तरफ से अंगद जी के लिए बजाइए। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया। देखिए आरसीएम में आके हमने यही सीखा कि भाई सपने मेरे हैं, निर्णय मेरा है। आरसीएम करने का निर्णय किसका होता है? अपना, आपका निर्णय है। आरसीएम करने का निर्णय आपका निर्णय है, आरसीएम करने का निर्णय मेरा निर्णय है। हमने डिसीजन लिया है बैंक की नौकरी छोड़ने का, हमारे घर वालों ने नहीं लिया है, हमारे भाइयों ने नहीं लिया। हम जब जॉब रिजाइन कर रहे थे तो हमारे बड़े भाई बहुत मना किए, समझाए कि नहीं नहीं मत करो, जॉब करो,
अब आज अगर कुछ बुरा हो तो हम बोले कि ना ना ये तो बड़े भैया की वजह से हो गया। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आज के बाद ना कसम खा लीजिए कि आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी आज बुरा है ना तो ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम खुद, खुद हम खुद जिम्मेवार, खुद जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ, ब्लेमिंग एटीट्यूड को लेकर के एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने अटेंड की थी और हम आप लोगों को बता भी चुके हैं हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। जंगली हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के ऊपर घास फूस बिछा दिया जाता है और हाथी घास खाने के चक्कर में ऊपर जब जाता है, पैर रखता है, तो वो गड्ढे के अंदर चला जाता है और जब अंदर जाता है तो उसको 2-4-10 दिन तक कुछ भी खाना नहीं दिया जाता, बहुत कमजोर हो जाता है वो। फिर ऊपर से कुछ मिला के दिया जाता है खाने के लिए, उसके गड्ढे में डाला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है तो उसके पीछे में दीवार में जो मिट्टी की दीवार होती है उसमें कटीली चीज लगा दी जाती है, नुकीली चीजें, भाला के आकार का लकड़ी से उसमें जब मिट्टी में लगा देते हैं और जब हाथी उठता है तो उसको चुभन होती है और जैसे ही उठता है उसकी आंखों के सामने रस्सी डाला जाता है। अब हाथी को चुभन होती है पीछे नुकीली जो हथियार डाला जाता है उसकी वजह से, लेकिन हाथी के दिमाग में क्या डाला जाता है कि चुभन हो रही है रस्सी की वजह से। जैसे ही हाथी ऊपर उठता है उसको चुभन होती है, सामने रस्सी गिरा दिया जाता है। ये घटना कई बार होती है और जब हाथी के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये जो नुकीली चीजें चुभ रही है मुझे, ये रस्सी की वजह से चुभ रही है क्योंकि वो देख नहीं पाता पीछे, और हाथी के दिमाग में जब ये चला जाता है तो फिर वो नुकीली चीजें निकाल ली जाती है। अब हाथी जैसे ही हिलता डुलता है उसकी आंखों के सामने क्या डाला जाता है? रस्सी, रस्सी। अब वो रस्सी देखते ही सीधा खड़ा हो जाता है, अब वो रस्सी से कंट्रोल होने लग जाता है, उसी रस्सी में बांध के उसको ऊपर निकाला जाता है। अब वो हिलता डुलता नहीं है, अब कहीं भी नुकीली चीजें नहीं है। आप देखते होंगे कि हाथी को पतली सी झाड़ में बांध दिया जाता है पतली सी रस्सी से और वो हिलता तक नहीं है। कारण क्या है? चुभन याद आ जाती है। हाँ, उसको पता है कि ये रस्सी है, इसकी वजह से हमको चुभन होती है, अगर हिलेंगे डुलेंगे तो हमको चुभन होगी और इसीलिए वो पतली सी झाड़ से बंध जाती है। सोचिए, वो हाथी में इतनी ताकत है कि वो पेड़ उखाड़ दे, मकान गिरा दे, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि भैया ये रस्सी की वजह से हमको चुभन होगी, दर्द होगा, और वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है, उस रस्सी से पूरी जिंदगी बंधा रहता है। और यही चीज हम इंसानों के साथ है। हाथी के दिमाग को कंडीशनिंग कर दिया जाता है। कंडीशनिंग का मतलब होता है उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तेरे जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या है? ये रस्सी। अब वो रस्सी में जीवन भर बंधा रहता है, जबकि हकीकत में रस्सी की वजह से उसको कुछ भी तकलीफ नहीं है, कोई चुभन नहीं है। रस्सी को तोड़ सकता है, वो रस्सी को उखाड़ सकता है, पेड़ उखाड़ सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर। और उसके दिमाग में कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तेरे जीवन में अब इस रस्सी से तू बंधा रह, और यही समस्या उसकी जीवन भर होती है। अब बताइए, समस्या रस्सी है कि समस्या उसका दिमाग है जो दिमाग में डाला गया? दिमाग में जो डाला गया है वो दिमाग है। हाँ, रस्सी समस्या नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जो आज आपको समस्या नजर आ रही है ना, वो समस्या नहीं है, समस्या आपके दिमाग में है कि हम इसकी वजह से मार खा रहे हैं, उसकी वजह से मार खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हो गया, वो हो गया, गड़बड़ हो गया, ये सब आपके दिमाग की खुराफात है। ये कोई किसी न किसी ने दिमाग में डाला है, किसी न किसी दिमाग में आपकी कंडीशनिंग की है। अब हाथी और आदमी इंसान में क्या अंतर है कि इंसानों के दिमाग को की कंडीशनिंग को बदली जा सकती है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाथी के दिमाग को नहीं बदला जा सकता। एक बार उसके दिमाग में कंडीशनिंग चली गई रस्सी से कि रस्सी से चुभन होती है, अब वो जिंदगी भर रस्सी में बंधा होता है, लेकिन इंसानों की जो कंडीशनिंग है दिमाग में बचपन से जो डाला गया है कि तू नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तू निकम्मा है,
हम इस कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, मिरिकल मॉर्निंग सेशन के माध्यम से, बीटीएफ के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कैसेट सुन सुन के हम अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कैसेट सुनिए, रोज 2-3 घंटा दिमाग में लगा के सुनिए। जब तक आपके दिमाग की कंडीशनिंग नहीं होगी ना, आप स्टार रूबी सफायर नहीं बन पाएंगे। बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा रियाज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और ये चीज आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर समस्या कहाँ है। समस्या बाहर नहीं है भैया, समस्या आपके अंदर है। समस्या आपके दिमाग में जो डाला गया है, जो कंडीशनिंग कर दी गई है। आसान से आसान चीज को हम लोग बहुत कठिन मान रहे हैं और कठिन चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो लाइफ में ना इन चीजों को सीखिए, बहुत जरूरी है सीखना। अपने ब्रेन की कंडीशनिंग को तोड़िए कि हम नहीं कर सकते हैं। ये जो दिमाग में घुसा हुआ है ना, आज एक आदमी घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, कारण क्या है? ठंडी वजह नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत ठंडी है। कहाँ ठंडी है यार, मैं तो देखो ना, मैं अभी बिहार में हूँ, शर्ट पहन के आपके सामने मीटिंग कर रहा हूँ, अभी पटना निकल रहा हूँ मैं, कहाँ है ठंडी? ठंडी उसके लिए है जो रजाई के अंदर दुबका हुआ है। जो बाहर निकल गया ना, उसके लिए कोई ठंडी नहीं है, सब दिमाग में है। इसी ठंडी को लेने के लिए लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, इसी ठंडी को फील करने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। और भगवान ने जब ये मौका दिया है तो हम रजाई में दुबके हुए हैं, कहते हैं ठंडी है। सब दिमाग की उपज है, दिमाग की सोच है। एक बार रजाई से बाहर निकल जाइए, दौड़ जाइए, सब ठंडी खत्म गायब। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि हम भी इस बिजनेस के स्टार रूबी बन जाएंगे, हम भी इस बिजनेस के सफायर बन जाएंगे, हम भी एक दिन डायमंड बनेंगे, ना आपको ठंडी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना दर्द होगा। ये सब दिमाग में है यार। कई बार लोग कहते हैं बड़ा मेहनत है सर आरसीएम में, मैं बोलता हूँ बेटा मेहनत आपने किया ही नहीं है। आरसीएम में तो मेहनत है ही नहीं, टॉकिंग इंडस्ट्री है, बात करने का बिजनेस है। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है, मिस नहीं करना है भाई, पूरी ताकत से काम करना है। टारगेट बनाइए कि जब तक आज 10,000 का बिजनेस क्लोज नहीं करेंगे, आज घर वापस नहीं लौटेंगे। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और ये बिजनेस संकल्प से चलता है। खुद के संकल्प से चलेगा, डाउनलाइन के संकल्प से नहीं चलेगा, अपलाइन के संकल्प से नहीं चलेगा, खुद के संकल्प से चलेगा। संकल्प 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 संकल्प, अपना संकल्प होना चाहिए, मुझे इस बिजनेस का स्टार रूबी बनना है, मुझे सफायर बनना है, मुझे डायमंड बनना है। और जिस दिन आपके अंदर ये संकल्प शक्ति पैदा हो गया, तो संकल्प आपको दौड़ाएगा, संकल्प आपसे काम करवाएगा। बिना रुके, बिना थके आप चलते जाएंगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, वो जीवन में कभी तेज नहीं चल पाते, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये जो बार बार लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, यार इतने दिन से लगे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। बीमारी हमें पता है आपकी, आप हर दिन पीछे मुड़ के देखते हैं। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, एक गाना है ना, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं ना, उनकी न तो गति होती है और न प्रगति होती है। तो गति चाहिए अगर जीवन में, तो पूरी ताकत से आगे देखिए। देखिए 2 साल बाद आप कहाँ होंगे, देखिए 5 साल बाद कहाँ होंगे, देखिए 2030 में आप स्टार रूबी सफायर होंगे, डायमंड होंगे। देखिए तो सही, किसने रोका है आपको देखने से? लेकिन हमारी आदत है पीछे देखने की, हमारी आदत है मुड़ मुड़ के देखने की। तो आदत को बदलना ही आरसीएम है। जो आदत को बदलने का नाम है, उसी का नाम है आरसीएम। मुड़ मुड़ के मत देखिए, देखिए कि आज 10,000 ठोकेंगे, जब तक 10,000 का बिजनेस नहीं करेंगे आज घर नहीं आएंगे। निकलिए घर से बाहर, बाहर में अवसर है, बाहर में मौका है, बाहर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर में जहां भी जाता हूं मैं, मेरे को बिजनेस मिलता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। शुरू में होता था, ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, तरीका नहीं मालूम था, तो हम असफल लौटते थे। लेकिन जब करने लगे, करते 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 सीख गए, तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर से हम बाहर निकलें और ठान के कि आज जब तक 10 ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे घर नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर। तो आज आप लोगों से भी मैं यही बताने के लिए आया हूं कि मेरे भाई,
पूरी ताकत से लड़िए, काम कीजिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य की तरफ, फोकस कीजिए अपने ड्रीम की तरफ, एक एक कदम बढ़ाइए। हजारों मील लंबी दूरी यात्रा एक छलांग में इंसान नहीं करता, एक एक कदम से चल के आगे बढ़ता है। हर दिन एक कदम आगे बढ़िए, हर दिन एक कदम आगे बढ़िए, हर दिन एक कदम आगे बढ़िए, हर दिन एक कदम आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान जीवन में कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी ने मुझे मौका दिया। माइक ओवर टू दरोगा सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। आज का नारा भी यही लगाते हैं कि दोष देना बंद करो, काम करना चालू करो। यस, दोष देना बंद करो, काम करना चालू करो, सही रहेगा। दोष देना बंद करो, काम करना चालू करो, काम करना चालू करो, दोष देना बंद करो, काम करना चालू करो, दोष देना बंद करो, काम करना चालू करो, काम करना चालू करो, काम करना चालू करो,